हम भी आ गए। और आप तो जानती है कि हम लोग खाली हाथ कभी नहीं आते। तो इस बार भी है खूब सारा मजा और किटी तारा और अदरक का नया किस्सा। तो मैं हूँ मानव। और मैं हूँ नेहा। मानव, कल मैंने एक गजब का सपना देखा, एकदम फिल्मी। हाँ, क्या बात है, कौन सा सपना था? सपना साजन का। सपना साजन का, क्या बात है। अच्छा अच्छा, देखो तुम्हारी तो उम्र भी हो गई है। एक मिनट, उम्र से क्या मतलब? नहीं मतलब तुम देख सकती हो ना, नहीं कुछ लड़कियां होती है जो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो ऐसे ऐसे सपने देखते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल फिल्मी। नहीं, कुछ समझ में नहीं आया मेरे, क्या कहना चाहते हो? आधा फुल। ये एपिसोड देखो, सब समझ जाओगी। आप भी देखिए सपने साजन के, नहीं आधा फुल। किटी तू रहने दे बेटा, मैं बुला लूंगी किसी फ्रिज वाले को। अरे माँ बस हो गया। अरे क्या हो गया हो गया, तेरे बाऊजी ने देख लिया ना तो सारा घर सर पे उठा लेंगे, पता है ना तुझे उनका। पापा की तो आदत है। किटी, पापा। अरे पापा का नाम लेती है, आपकी आवाज क्यों कांपने लगती है? इतना क्यों डरती हो उनसे? कभी खुल के बात करो ना उनसे, कभी बोलो आराम से कि मुझे जाना है सिनेमा देखने जाना है। लेकिन नहीं, प्रवचन शुरू हो जाएगा ना उनका। किटी पापा। अरे जानती हूँ मेरे पापा है, इसलिए तो प्रवचन सुनती हूँ उनके। एक सेकंड ना, मैं चेक कर लेती। लो हो गया ठीक। अब अगर आप फ्रिज वाले को बुलाते तो फालतू में आपसे 500 रुपए हड़प लेता। बचा लिए ना मेरे पापा के पैसे। किटी पापा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे पापा मेरे पीछे खड़े। खड़े मेरे पैसे बचा रही है। किसने कहा? मैं प्रवचन देता हूँ। किसने कहा बताऊँ तुझे? किसने कहा? कमलेश जी, जी जी ये सिखा रही है, सही संस्कार दे रही है तू। यही सब चलता रहा ना तो हो गया लड़की का ब्याह, फिर पूरी जिंदगी घर बैठा के सही फ्रिज ठीक करवाती रहना। मैंने समझाया था इसे, पर सुनती कहाँ है मेरी? कितनी बार बोला इसको कि लड़कियों की तरह रहा करे। तो ये पकड़ और इसके नट बोल्ट कस, इसके दिमाग के। ये लड़कों वाली हरकतें रही ना, मेरे पैसे बचाएगी, दहेज के दुगने पैसे लगेंगे। किसने कहा लड़कियां फ्रिज ठीक नहीं कर सकती? चुप कर। और सुनो, गणेश की लड़की का रिश्ता तय हो गया है, खानदानी लड़का है। क्या इससे एक साल बड़ी है? और इसको देखो यहाँ फ्रिज ठीक कर रही है। अगर इस साल इसकी शादी नहीं हुई ना तो मैं समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ क्या है ये, मैं क्या सुन रही हूँ? संजना तो सिर्फ 17 साल की है। तू तो ना किटी चुप कर जा, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। ना खुश शादी करती है ना दूसरों करने देती है। एक बात ना अच्छे से कान खोल के सुन ले, ये जो मेथी काट रही हूँ ना मैं, ये तू ही बनाएगी आजाद को पापा के लिए। मेथी? हाँ मेथी। इम्पॉसिबल। है ये क्या होता है? रीजे जी सीख ले, घर का पूरा काम सीख ले। ससुराल जाएगी तो हमारी नाक कटवाएगी। और जल्दी से काम पूरा कर ले, कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, हाथ बटा मेरा। माँ मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, मुझे 100 रुपए दो ना। 100 रुपए दो दिन पहले दिए थे, मैं कहाँ से लाऊँ रोज रोज? क्या माँ मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज दो ना, प्लीज दो ना। दीजिए 100 रुपए ले ले। थैंक यू माँ, थैंक यू। तू क्या देख रही है, हाथ चला। अरे यार क्यों बुलाया, क्या हो गया, क्या गेम खेल रहे, क्या हो गया? सस्पेंस सस्पेंस क्या है, बोल देना। हाँ किटी अब बता भी दीजिए। हम संजना के घर जा रहे हैं, शादी है उसकी। पर उसने तो हमें इनविटेशन कार्ड भी नहीं दिया। वैसे भी अदरक कहीं बिना बुलाए शादी वादी में नहीं जाता। लेकिन यार खाना क्या होगा वहाँ पे? क्यों आप तो बिना इनविटेशन के कहीं जाते नहीं है। पूछ तो सकता हूँ ना।
मैं भी कहां माथा लगा रही हूँ, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे बुखड़। तो फिर संजना सिर्फ 17 साल की है, समझ में आया कुछ? ओ मतलब सेम तेरे वाला केस, 17 साल की कम उम्र में शादी। हाँ एक्शन रिप्ले, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ पर हम उसकी हेल्प करेंगे कैसे? उसके घर जाके शादी रोकेंगे उसकी, तो यही कर सकते हैं, देखते हैं जो होगा सो होगा, चलते हैं हम। ब्यूटीफुल है यार, बदली पुर गए ना, भाग खुल गए। लेकिन ये है कौन? इसे पहले कभी देखा नहीं। अबे नए इंस्पेक्टर साहब की बेटी है करिश्मा। हो गया देख के, चले अब हम संजना के घर। जी पूरे 6:30 का प्रोग्राम है और शुरू भी हम 6:30 ही करेंगे। अब नमस्ते अंकल। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी नमस्ते। अब संजना की शादी है? अरे हाँ आओ ना। कैंसिल कर दीजिए। हैं? हाँ कैंसिल कर दीजिए, इसके पहले मैं जाके पुलिस को बता दूँ। क्या ये मत कहना कि मैंने आपको पहले वार्निंग दी थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सॉरी अंकल। अरे सॉरी अंकल सॉरी, इसकी जब से शादी रुकी है ना इसके दिमाग पे 17 साल लग गया। आप आराम से शादी करो। अंकल आप सॉरी, देश आजाद है। अरे तू चल यार। अदरक अदरक मेरी बात सुन, मैं अभी उससे बात कर। अरे यार पागल है क्या तू? सुबह सुबह बिजली के परांठे खाती है, अभी सीधे जाके बात करी तो क्या मान जाएंगे? तो और क्या करूं मैं, तेरे पास कोई और रास्ता है? तूने बता ना मुझे। यार एक काम करते हैं, सीधा संजना से बात कर लेते हैं। ये सही कह रही है पर होगी कहां? वो जरूर अपने कमरे में बैठ के रो रही होगी पीछे, और कर भी क्या सकती, कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं होगा ना उसकी। ओए होए 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 होए, हो गया मेलो ड्रामा। अदरक प्लीज। पर किटी हम उसके कमरे तक कैसे पहुंचेंगे? जाने के रास्ते तो ये बंद करके आई है, क्या जरूरत थी वहां जाने की? जान बूझ के जाके बॉन्ड बन रही है। क्या है पंगा भी तो देखो भैया, पापा से ले लिया। ठीक है ना, हो गया, अब कोई और रास्ता ढूंढे हम जाने का अंदर प्लीज। कुछ सोचना प्लीज। क्या सोच? सोचने का अलग नगर नारायण लगता है। लिख लेना। लिखने की बात मत किया कर। थोड़ी पकी धूप है तो थोड़ी कच्ची छाँव। मिल गया। क्या सच्ची झूठी दीवारें हैं, कूद पड़े वो पाँव भी हैं, आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। आधा फूल आधा फूल। चेतन क्या कर रही? अभी कल ही तो 5,000 लेके गया था ना। अरे तो क्या अपने साथ ले जाओगे दौलत? इकलौता हूँ। चेतन अपनी माँ से ऐसी बात करते क्या? सुबह सुबह परेशान मत करो, मुझे जाना है।
ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, एक ही लड़का और वो भी हाथ से निकला जा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। घर गृहस्थी में लग जाएगा तो लाइन पे आएगा। संजना, तुम्हें हम रोने नहीं देंगे। हेल्प करने आ गए हम तुम्हारी। अदरक तुम? डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हम? हाँ, एक मिनट। ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी आओ यार ऊपर। रुको। अरे रुक रुक रुक। आ जा। तारा रह गई। जल्दी आ। आराम से आराम से। ठीक है। किटी, तारा, ये सब क्या है? मुझे खिड़की से बचाने आए हो? ये सब हो क्या रहा है? हाँ हाँ हाँ, संजना मैं सब समझाती हूँ, तू यहाँ बैठ। अरे यहाँ सारा सामान रखा है। तो यहाँ बैठ जा, तेरा घर है, तुझे जहाँ बैठना तू बैठना। लेडी भीम। सॉरी सॉरी। देख संजना, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई नो ऐसे मोमेंट पे कैसे फील होता है। तूने कब शादी की? ऑलमोस्ट होने वाली थी, एंड टाइम पे ब्रेक लग गया। फिर ठीक है। अच्छा प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे इसलिए तो आए हम। प्लीज मुझे बचा लो, यही कह रही हो ना? बस बचाने आए हैं, देश आजाद है। ये पागल है क्या? किस चीज से बचाओ? अच्छा किटी मुझे बताओ मैं क्या करूँ? हम ना पुलिस को बता देते हैं। पुलिस में? मम्मी ने मेरी मनपसंद लहंगा नहीं दिलवाया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो। क्या क्या क्या? हाँ, मेरी ना बॉयकॉट बड़ी इच्छा थी कि शादी में वही लहंगा पहनूं जो बाजीराव मस्तानी में दीपिका ने पहना था। माँ ने ये दिलवा दिया, टोटल लोकल वाला। अब तुम ही बताओ, शादी क्या रोज रोज होती है? एक मिनट, मतलब आप सिर्फ एक लहंगे के लिए रो रही हैं? हाँ। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे कुछ मत छुपाओ। हम ये शादी नहीं होने देंगे। हाँ। अगर मेरे दोस्त है तो मेरी शादी क्यों रोकोगे? क्या? एक सेकंड। संजना बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। तुम्हारे पेरेंट्स जबरदस्ती तुम्हारी ये शादी करा रहे हैं, तो हम तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हारी हेल्प करेंगे। हम ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, वे प्रॉमिस। किसने कहा? किट्टी ने। कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे ये शादी करनी है। क्या क्या है? हमें लगा कि आई लव चेतन। पता है चेतन मेरे पीछे पागल है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। इस घर में मैं पिंजरे की चिड़िया बन के रहेगी। अब ये चिड़िया अपने चिड़े के साथ फुर हो जाएगी। पता है चेतन कहता है शादी के बाद घुमाएगा, सिनेमा दिखाएगा, होटल में खाना खिलाएगा। अब मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो भाई करते हैं। मुझे प्यार पहले क्यों नहीं हुआ? हाय, मुझे भी। चुप कर संजना। संजना मेरी बात समझ। मुझे नहीं समझना। क्यों नाराज हो रही हो जान? किसी ने मेरी जान को कुछ कहा क्या? लगता है तुम्हारे दोस्त बहुत जल्दी में। अपने दोस्तों को जाने दो ना जान, हमें तो पिज्जा खाने चलना है ना। चलो पिज्जा खाते खाते सेल्फी भी ले लेंगे, फेसबुक पे डालना और मुझे टैग भी करना। लव, ये उम्र ही ऐसी होती है। संजना की जगह अगर कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही करती। पर मैम, आई नो किटी। संजना अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो DDLJ की सिमरन है, तभी तो उसने ये रास्ता चुना है। अपने पेरेंट्स की नोकझोंक से बचने के लिए इतना बड़ा स्टेप, पर वो समझ नहीं रही है ये सही समय नहीं है। अरे अभी तो उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें इस चेतन का चैप्टर खत्म करना होगा। देखो अगर सीधे सीधे बात करने जाएंगे ना, या उन्हें समझाने जाएंगे, तो आड़े तिरछे होके बाहर आएंगे। इसलिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। जब घी
सीधी उंगली से ना निकले ना तो डब्बा उल्टा करके निकालना पड़ता है। करेक्ट। बदलीपुर के इस नए इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। हाँ भाई जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। लो भैया गर्मा गर्म खाना खाओ। करिश्मा कहाँ है? करिश्मा, अरे बेटा करिश्मा। करिश्मा घर पे नहीं है। आप खा लो, वो आएगी तो मैं उसको खिला दूंगी, आप आराम से खाओ। आपको तो पता है ना मैं उसके बिना कभी खाना नहीं खाता, मैं उसका इंतजार करूंगा। भैया जब से भाभी गई है ना आपके लाड प्यार ने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है। ख्याल रखना अच्छी बात है पर आप उसको किसी चीज के लिए मना ही नहीं करते। जिद्दी हो गई है वो, उसको पता है कि आप उसके बिना खाना नहीं खाओगे। देखो फिर भी अभी तक नहीं आई, आप खा लो मैं उसको खिला दूंगी। पापा। अरे लो आ गई आपकी राजकुमारी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? क्या पापा आपको भूख नहीं लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो अरे भाई मुझे भी बहुत भूख लगी। चलो चलो, चलो। ये लो पहले तुम खाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा भूख लगी है। सर I'm so sorry, मैं बाद में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मेरा नाम रोशनी है, मैं बदलीपुर हाई स्कूल की टीचर हूँ। ओह गुड, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शादी रोक दे? पर क्यों? क्योंकि आपकी बेटी नाबालिग है, आप कानून तोड़ रहे हैं। 18 साल की लड़की नाबालिग नहीं होती, आपको इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह तफ्तीश कर लेनी चाहिए सर। ये रहा संजना का बर्थ सर्टिफिकेट। माफ कीजिएगा, थोड़ी गलत फहमी हो गई है। जी कोई बात नहीं, आपको बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई। रोशनी जी चलते हैं। मतलब हद है, नकली सर्टिफिकेट बना लिया, मतलब उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं। पर असली भी तो हो सकता है। देखो संजना अभी 11th में है, वो 18 साल की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं मैम, मैंने उसके बर्थडे पे बहुत केक खाए, मुझे पता है वो 18 साल की तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी मम्मी पापा ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इसका मतलब ये संजना के माँ बाप ही हैं जो ये गेम खेल रहे हैं और हम किसी 12वें खिलाड़ी की तरह मैदान से ही बाहर खड़े हैं। सही है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करना होगा, और अदरक तू तो बिल्कुल मत पड़ना इस सब में। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। रोशनी उनके पास पक्का सबूत है उम्र का, पुलिस तुम लोग के खिलाफ भी तो हो सकती है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें सबूत की जरूरत है, पक्के सबूत की। स्कूल में एडमिशन के टाइम पे तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही दी होगी ना? ये की ना तूने तारा वाली बात, अब रिकॉर्ड रूम में जाके चेक करेंगे। इधर देखो, यहीं कहीं पर स्विच होगा। अब मिल गया। संजना 11th में है, रिकॉर्ड्स तो यहीं पे होगी। किटी एक काम करो, तुम अंदर देखो, मैं यहाँ पे देखती हूँ। ओके। किटी कुछ मिला? किटी नहीं मैम। किटी मैम लगता है लाइट चली गई है। हाँ धीरे बोलो। ओके। फोन है तुम्हारे पास? हाँ है मैम। टॉर्च लाइट ऑन करो उसकी। ओके ओके। में से कोई एक तो नहीं है?
क्या हुआ मैम? मैं ठीक हूँ रजनी। ये फाइल ढूंढ रही थी ना संजना की फाइल। कौन है तुम? कौन है तुम? किटी मैम, किटी यहाँ किसने लगी? बुझाओ इसे। संजना की फाइल आई है। संजना की फाइल। मैम, मैम आपका हाथ जल गया। कितने फाइल? हमारे पास एक ही सबूत है जिससे हम साबित कर सकते थे कि संजना 18 साल की नहीं है। मैम मैम अभी के लिए ये सब छोड़ते हैं, अभी हॉस्पिटल चलते हैं अर्जुन चाचू के पास। चलो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तुम एसपी साहब के पास जाओ, बताओ उन्हें यहाँ क्या हुआ है। नहीं मैम, मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जाऊँ? आप चलो, मैं बाद में चल जाऊंगी। ठीक हूँ, प्लीज तुम जाओ, प्लीज जाओ। आर यू श्योर? यस। ओके। करिश्मा जरा एसपी अंकल को बुलाना, मुझे उनसे काम है। नहीं तो तुम नहीं बुलाओगी उन्हें? नहीं। ओके। एक कबूतर। अरे क्या हो रहा है? एसपी अंकल, तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं किटी, बालों में मिट्टी। अंकल मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। ओके, अब मैं चलता हूं। आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, इसके लिए थैंक यू। रिकॉर्ड में आग लगा दी किसी ने, रिस्क वाला काम किया है अपन ने। बेटा बिना रिस्क के कोई ब्याह हुआ आज तक? पर ये किसे क्या होगा? रोशनी मैम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। फिर अगर कभी मेरे और संजना के बीच में आने की कोशिश की ना, तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। क्या करवाना? बैठ बैठ। ब्यूटी आंटी, पहली बार आपके पार्लर आई हूँ। चेहरे में ना एकदम ग्लो आ जाना चाहिए, मतलब लोग कहें कौन है ये लड़की, इतनी खूबसूरत है। वो लिपस्टिक, फेशियल, जो भी ब्राइडल में होता है ना, अब वो सब कर दीजिए। ओए होए, क्या बात है, बड़ी छूट दे दी आज मम्मी ने। है शादी आंटी, शादी। शादी एक ऐसी चीज है जिसे हर चीज की छूट मिल जाती है। ड्रेसेस, हैंडबैग, टोटल हीरोइन बन जाओ। लेकिन हीरोइन 17 साल की उम्र में शादी नहीं करती। तो फिर आगे देखिए आंटी, ये तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए। यू डोंट नो चेतन, वो मेरी कितनी केयर करता है। शॉर्ट्स तो किसी ने नहीं की। संजना, मेरी चाय कहाँ है? संजना, मेरी शर्ट अभी तक प्रेस नहीं हुई। संजना जल्दी नाश्ता बना दे। संजना, पिंजरे के तोते को जरा सी छूट मिल जाए ना तो वो उड़ जाता है, समझी? ऑटो,
चेतन ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो हफ्ते में मुझे दो बार सिनेमा दिखाने लेके जाएगा, वो भी ढेर सारे पॉपकॉर्न के साथ। तू नहीं समझेगी, जब तुझे प्यार होगा ना तो सब समझेगी। प्यार करने की भी ना कोई उम्र होती है? प्यार की कोई उम्र नहीं होती आंटी। लेकिन शादी की तो उम्र होती है ना संजना। प्यार करते हो तो रुक जाओ ना एक दो साल, तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसे भी कुछ करने दे भाई। जिंदगी जीने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, तुझे क्या लगता है शादी करने के बाद तू आजाद पंछी हो जाएगी? अरे कमर टूट जाती है ससुराल संभालते संभालते, इसीलिए कह रही थोड़ा टाइम रुक जा फिर कर लेना शादी। और तुझे पता है राजस्थान में ना टेंट वालों ने बैंड वालों ने सबने कह दिया कि जिस शादी में लड़का लड़की की कम उम्र होगी ना वहाँ किसी भी टाइप की सर्विस नहीं देंगे। हाँ तो पागल थोड़े ना है, सही तो है। एक संजना इसीलिए कह रही हूँ हर चीज का टाइम होता है तो सोच ले अच्छे से, रजनी संवरने के लिए कोई शादी थोड़े ना करता है पगली कहीं की। अदरक तू पक्का श्योर है ना कि तूने चेतन को ही देखा था यहाँ पे? अदरक की नजर चीते के चाल और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते। मैं माँ का समय हाथ में लाल गुलाब भी तो उसके। हाँ ठीक है ठीक है। संजना 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 चेतन तुम यहाँ? What a surprise! किसी को ये लाल गुलाब बहुत पसंद है तो किसी को ये लपड़ पसंद है। मेरे लिए थैंक यू। ये तो तुम्हें डेली बोलना पड़ेगा। रिंगटोन बनाने ना सुनते रहना डेली। क्यों? क्योंकि किसी को रोज रोज ये रोज मिलने वाले हैं। सच्ची? वच्ची। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि काम नहीं इसको कोई। कमेंट भी देना बंद करेगा जरा प्लीज। क्योंकि ये दिल है कि मानता ही नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी कसम तोड़ दे कसम खेल खत्म। मेरी फ्रेंड है ना किटी, कहती है शादी मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। शादी के बाद सिर्फ प्यार होगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। जरा सा भी नहीं? इतू सा भी नहीं। और प्यार? तू आंखें बंद करता था। जानते हो ना तुम। फिर भी बताओ ना। इतना सारा, बस इतना सा, इतना सारा प्यार। मेरी प्यारी संजना, आई नो यू लव मी। सोचो यार तुम दोनों आगे क्या करना है। सोचते हैं। सॉरी आइडिया। अबे चने खाने का हर स्वीट मुझे समझा, और अब छोड़ दे शादी, मना कर दे। नहीं तो क्या मारेगा? अभी इस चुईया के साथ। ओए अबे चल ना। मैं सुन, तुझे मार के हमें अपने हाथ नहीं गंदे करने, हम तो बस पुलिस को बता देंगे और हम ये भी बता देंगे कि तू रिकॉर्ड रूम में आग लगाई थी समझा। और हाँ रोशनी मैम पर हमला भी किया था। हमारे पास इस बात का प्रूफ है। हाँ तुम्हारी मैम पर अटैक मैंने ही किया, रिकॉर्ड रूम में आग भी मैंने ही लगाई, क्योंकि अब भगवान भी इस शादी को रोक नहीं सकता समझा। और जो भी इसके बीच में आने की कोशिश करेगा ना वो बचेगा नहीं, फिर चाहे वो तुम हो संजना के माँ बाप या फिर खुद संजना। अरे सुन ये धमकी है ना किसी और को जाके देना समझा। ठीक है
तो फिर हम पुलिस को ये रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। हाँ, तुम्हारी मैम पर अटैक मैंने ही किया, रिकॉर्ड रूम में आग भी मैंने ही लगाई, क्योंकि अब भगवान भी इस शादी को रोक नहीं सकता, समझा? Plan successful? Yes. इधर ला, जा भी कर। वो देख, संजना। अच्छा हुआ उसने खुद अपनी आंखों से ये सब देख लिया। हे भगवान, हम ऐसे लड़की के साथ हमारी संजना की शादी करवा रहे थे? आप लोगों ने एक बार भी पूछताछ नहीं की कि लड़का कैसा है, क्या करता है। अरे हमें क्या पता था कि लड़का ऐसा निकलेगा। पर आपको ये तो पता था ना कि आपकी बेटी की शादी की उम्र नहीं हुई है। स्कूल जाने की उम्र में आप उसे ससुराल भेज रहे थे। और आप दोनों को ज्यादा जल्दी पड़ी थी ना उसे घर से विदा कर देने की, और वो भी क्यों मना करती? आखिर इस घर में उसके लिए रखा ही क्या है सिवाय ये रोक टोक के। कह तो ऐसे रहे जैसे तू उसका ध्यान रखता था। अरे चुप करो दोनों, अब एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से क्या फायदा होगा। मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा ये शादी। सॉरी भी। क्यों जान? मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू, किटी के बातों में आ गए। मैं ये कैसे समझ नहीं पाई कि वो मुझसे जलती है। अगर कोई उससे प्यार नहीं करता तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम पागल हो क्या? इतना क्यों सोच रही हो? जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो ना। अब तो तुम जान गई हो ना हमारे बीच कोई आएगा तो। मैं भी सॉरी हूँ। किस लिए? वो मैंने गुस्से में आके तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में इतना कुछ कह दिया ना। वो क्या है ना, तुमसे दूर होने का सोचकर ही डर लगता है। अब दूर नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, घूमेंगे फिरेंगे। Oh my God, I'm so excited, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे पागल मत हो, शादी भी तो करनी है। वो भी भाग के। वाओ, अंकल आंटी सब परेशान है, किसी को बता के नहीं गई, सबको ये लग रहा है कि वो भाग गई है चेतन के साथ। अब ये भी क्या गूगल से पूछेगी कि कहाँ गए हैं वो दोनों? नहीं, फेसबुक। क्या फेसबुक? ये क्या होता है? फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम दोस्त बना सकते हैं। मतलब मैं भी बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यार फिर चाहे जो लिखो, फोटोज डालो, फ्रेंड्स लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे। एक सेकंड तारा, इसका मतलब ये कि दोनों में से किसी एक ने जरूर फेसबुक पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। हाँ, संजना तो हर छोटी से छोटी चीज फेसबुक पर लिखती है। चलो पिज्जा खाते खाते सेल्फी भी ले लेंगे, फेसबुक पे डालना और मुझे टैग भी करना। और चेतन, उसका तो काम ही यही है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक
सब कुछ फेसबुक पर लिख दूं। पर तुझे इतना सब कुछ कैसे मालूम? मेरे पास टैग है ना भाई का। ओ हेलो, मेरे पास बाहुबली है खुद की। और मेरे पास मुक्का है, ये भी मेरे खुद का है। तू क्या? तारा तू जल्दी फेसबुक चेक कर उन दोनों के, शायद कुछ मिले। हाँ। मिल गया। क्या? चेतन ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेटस अपडेट किया है। स्टेटस मतलब? स्टेटस मतलब कुछ लिखा है। लेकिन लिखा क्या है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका मतलब दोनों एक साथ हैं? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, समझ में आया कुछ? क्या करें? Oh no! क्या हुआ? चेतन ने 10 लोगों को टैग किया, दिखा? और सब उसे कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? 10 लोगों को टैग किया है? एक सेकंड। 10 लोगों को टैग किया? वो दोनों शादी कर रहे हैं? क्या? Oh my god! हमें ये शादी रोकनी होगी, हमें किस भी हालत में ये शादी रोकनी होगी। लेकिन दिल वाले दुल्हनिया कहाँ ले जाएंगे, ये कैसे पता लगेगा? क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा। तलाशी लो पूरे घर की। अरे सर, आखिर हुआ क्या? ऐसे कैसे आप तलाशी ले सकते हैं मेरे घर की? सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट? संजना कल से गायब है। गायब है? कहाँ गई? ये तो आप बताएंगे ना। चेतन कहाँ है? चेतन तो वो भी कल से गायब है। सर अंदर कोई नहीं है। सर मेरा बेटा जैसा भी है वो ये सब नहीं करेगा। वो क्यों करेगा जबकि उसकी संजना से ही शादी होने वाली है। होने वाली थी, अब नहीं होगी। क्या? संजना के माता पिता को आपके लाडले बेटे की सच्चाई पता चल चुकी है और संजना के माता पिता को यह एहसास हो गया है कि कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। और बिगाड़ो, मैंने कहा था ना तुमसे कि लड़का हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ नहीं बदलेगा जल्दी शादी कर देने से, समझे? सुनिए, उसके बारे में कोई भी सूचना मिले हमें इन्फॉर्म कीजिए, समझे? जी सर। चलिए। तारा फेसबुक पे उनकी लोकेशन पता चल सकती है? हाँ, पता चल सकती। मतलब लोकेशन मतलब? मतलब जिस समय चेतन ने स्टेटस अपडेट किया था उस समय वो कहाँ था, वो लोकेशन। ठीक है तारा, पता चला? चेतन ने लोकेशन ऑफ करके रखा है। यार ये लड़का ना जरूरत से ज्यादा सयाना है। लेकिन तुम दोनों कुछ बात करी थी ना कि उसने अपने दोस्तों को टैग किया, वो क्या होता है? मतलब स्टेटस लिखने के बाद उसने 10 लोगों को स्पेशली ये बात बताना चाहा है कि वो शादी कर रहा है। तो ये लोग हैं कौन? ये दोस्त होंगे ना अदरक, ऑब्वियसली। ये वो दोस्त तो नहीं है जिन्हें ये टैग करके मतलब न्योता दे के बुलाना चाह रहा हूँ शादी में। पर शादी में इनवाइट करने के लिए तो कार्ड देता है ना। नहीं नहीं नहीं, शायद अदरक सही कह रहा है। देख मेरी बात सुन, जो लोग शादी में कार्ड देकर इनवाइट करते हैं वो किडनैप करके शादी भी तो नहीं करते। वो भी सही है। तारा देखना इसके दोस्तों में से कोई अपने बदलीपुर का है क्या, देख। हाँ, चेक चेक कर। थैंक यू। नहीं, हमने चेतन की सारे फ्रेंड्स की प्रोफाइल चेक कर लिया, उसमें से एक बदलीपुर का ही है। क्या? क्या नाम है उसका, जल्दी देख। नरपत। नरपत जी, पंडित जी लिस्ट का सारा सामान याद है मुझे, मैं सब ले आऊंगा, बस ना आप टाइम पे आ जाइएगा। ओके। यार ये तो कहीं जाने की बात कर रहा है। जरूर ये शादी में ही जा रहा होगा, इसलिए पंडित को भी बुला रहा है। तो क्या दिक्कत है, अभी जाके धर लेते हैं इसे। अरे तो पागल है क्या? हम धर लेंगे इसे, जाके चेतन को बता देगा, फिर प्लान बदल सकते हैं वो दोनों। दिमाग ही नहीं है यार, अब क्या करेंगे हम? सोचो। संजना और चेतन की शादी करवाएंगे। क्या? चल। हेलो, इट्स इंस्पेक्टर हरिओम शर्मा'स ऑर्डर। बदलीपुर जाने वाले रास्ते पे सभी जगह नाकेबंदी कर दो, कोई भी गाड़ी बिना चेक किए हुए नहीं जानी चाहिए।
क्या यार पंडित जी इतना लेट कर दिया है, ये लीजिए सामान पकड़िए और ये हेलमेट पहनिए, चलिए फटाफट। क्या करे बेटा, देरी तो हो ही गई है। वो रास्ते में ना यजमान मिल गए थे। अरे राम, अरे राम, राम। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। ओहो, सामान गिर रहा है। एक मिनट, लगता है जल्दी में। हाँ जी, जजमान, जजमान के यहाँ जाना। जजमान के यहाँ? जी। नरपत जी के यहाँ तो नहीं जाना? आप कैसे जानते हैं? अरे उनका एक संदेश पहुँचाना था आप तक। लाइए सामान लीजिए, आप अंदर चलिए। आप चलिए तो, एक संदेश पहुँचाना है, बहुत जरूरी। जजमान जी ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो, एक मिनट बताइए, आप बताइए। बोले ठीक है, बाकी सामान रख लिया ना? हाँ सामान रख लिया, हेलमेट पहनने दो। चलो। किसी दिन ना तुम्हारी वजह से हम बहुत बुरे फंसेंगे। दादाजी की गाड़ी हम बिना बताए ले आए, पता नहीं क्यों तुम दोनों के कहने पे हम बार बार आ जाते हैं। क्योंकि भाई आप ना प्रिंस हो। तारा, सिर्फ नाम का। गिट्टी हम गाड़ी से उतार देंगे। चल चल, नीचे उतार दूंगा। मेरे पापा के पास ना ट्रक है, ट्रक। ज्यादा बोल मत, थोड़ी स्पीड बढ़ा, हमें नरपत की गाड़ी का पीछा करना है। लेकिन उसकी गाड़ी है कहाँ? ये रही उसकी गाड़ी। तारा ये क्या है? ये ना नरपत की कार की लोकेशन, अब वो जहाँ भी जाएगा हमें पता चल जाएगा। अच्छा, और तुमने ये किया कैसे? दिमाग से किया, जो तेरी बस की बात नहीं है। अभी बताता हूँ। बदला, वो भी दिमाग से। किटी किटी रुकिए ना प्लीज, हमें रोशनी मैम को भी बता देना चाहिए ना। हाँ रुक करती हूँ। किटी का फोन। हेलो, हेलो रोशनी मैम, हमें संजना का पता चल गया है। क्या? ओके हम पहुँचते हैं। अरे जजमान, ये मजाक मजाक में काफी दूर नहीं आ गए क्या हम? ज्यादा ना सवाल मत पूछो, और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना, और तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ चलो, चलो जल्दी आओ। अरे चेतन। हाँ पंडित। कितनी देर लगा दी यार, कहाँ था? अरे पंडित जी ने लेट कर दिया। अरे हम तो इतनी तेजी से आए थे, तेजी से तो यमराज भी नहीं आते। पर बेटा देखो, बुरा मत मानना, मुंह पे जुखाम ऐसे रख रखा है। आइए चलो। जय भोले। इनमें से वर कौन है और वधू कौन है? ओए पंडित, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहे हैं? शादी करवानी है कि नहीं? मैं वर हूँ और ये वधू। बहुत बढ़िया, तो अब एक दूसरे के सर पे हाथ रखो। अब एक दूसरे की सच्ची सच्ची कसम खाओ, और सच सच बताना कि तुम्हारी उम्र क्या है। ये कैसी रस्म हुई? शादी करवानी है कि नहीं? अरे चेतन, ये जो बोल रहा है वो कर लो ना यार। 21 साल। 18 साल। मेरी झूठी कसम तो मत खाओ। 17 साल। क्या कहा? 17 साल। तो तुमने मान लिया, तुम 17 साल की हो और नाबालिग हो। ये शादी नहीं हो सकती। पे तू? हाँ मैं। अदरक तू? हाँ संजना। संजना घर चलो, तुम्हारे माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया। संजना तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हारी खुशी से जलता है। संजना देखो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो कह सके अदरक स्कूल जा, पढ़ लिख या कुछ बन जा। तुम्हारे तो है यार, उनकी थोड़ी तो इज्जत करो। कौन से माँ बाप, किसका परिवार, जिन्होंने आज तक मेरी परवाह नहीं की, पिंजरे का तोता बना के रखा है मुझे। यार वो अपनी गलती मान तो रहे हैं ना। संजना तुम इसकी बातों में मत आना, ये हमारी खुशी नहीं चाहता है। चलो संजना। ए रुक। चेतन ये क्या कर रहे हो? चेतन क्या कर रहा तू? चेतन ये क्या कर रहे हो? जो भी हमारे बीच आएगा
तो उसे छोड़ूंगा नहीं। जान जान के कि जान लेने की बात कह रहे हो? चेतन, चाकू फेंक दे। रुक जा वहीं पे। वरना मैं। वरना क्या? मार डालूंगा इसे। संजना, देख लिया अपना वो फिल्मों वाला प्यार? चेतन, अदर को छोड़ दो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चुप, तुम्हें शादी करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। हर हाल में? मतलब एक नया पिंजरा? घर के पिंजरे से आजाद होने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ थामा, और तुम मुझे एक नए पिंजरे में कैद करना चाहते हो? पता नहीं ये बचपने में मैं क्या करने जा रही थी। चुप, बंद कर और चुपचाप इधर आ जा। रुक जाओ वहीं पे, वरना मैं। हवलदार, पकड़ लो इसे। चेतन, क्या किया तुमने? संजना, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? माँ, बच्ची हूँ, बहक गए। गलती मेरी है, सोचा लोग क्या सोचेंगे, बेटी को घर का काम नहीं आता। ये सोच सोच कर काम का बोझ तुझ पर दे दिया। ये सोचा भी नहीं कि तू क्या चाहती है, तेरे भी कुछ अरमान है। जैसी रोक टोक मुझ पर थी, वैसे ही मैं तुम पर लगा दी। मुझे माफ कर देना बेटा, अब से ना मैं कभी तुझे नहीं टोकूंगी, कभी नहीं। अगर आप नहीं टोकोगे तो कौन टोकेगा? माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, अब इसका क्या करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, चेतन को माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है, सजा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए। बचा लिया संजना को शादी से। वो तो तारा की टैब ने हमें हर बार की तरह बचा लिया फिर से। यार मैं क्या कह रहा था, इसका नाम तारा नहीं, टैब होना चाहिए था। गुड आइडिया, तारा आज से तेरा नाम टैब, टैब। वैसे वाह यार, आधा पुल का एक और नया केस सॉल्व हो गया। आधा फुल? अदरक? आधा फुल नहीं, टैंकफुल, टैंकफुल कह रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तू चला ना गाड़ी। समझ गई मानव तुम क्या कह रहे हो। संजना को लगा जैसे फिल्मों में होता है वैसा ही होगा, शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। वो तो अच्छा हुआ अदरक वहां पर पंडित बनकर आ गया सही टाइम पे। परेशान तो थी अपनी लड़की, उसको घर एक पिंजरे के जैसे लगने लगा था, वो बस घर से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रही थी। और उसे लगने लगा था जैसे शादी हो जाएगी तो काम काज से आजादी मिल जाएगी उसे। और उसके माँ बाप की भी गलती है ना, उनको समझना चाहिए ना कि लड़की भी एक जिंदा जान होती है, उसके सपने होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं। और इसीलिए शायद संजना छटपट आ रही थी इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। और वो चेतन, उसके माँ बाप भी कम नहीं थे, पता था कि चेतन बिगड़ा हुआ है, फिर भी उसकी शादी कराने पर तुले हुए थे। और ये क्या होता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? ऐसे शादी शादी ना हुई, कोई जड़ी बूटी हो गई। और अगर शादी हो जाती तो क्या संजना की जिंदगी बेहतर हो जाती, चेतन सुधर जाता? आप लोग ये भी सोचिए कि ऐसे लड़के जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें उस बच्चे के माँ बाप की कितनी गलती होती है। सोचिए सोचिए, हम फिर आएंगे आधा फुल का नया किस्सा लेकर। आप सोचिए और आपस में बातें भी कीजिए, हम जल्दी मिलेंगे। बाय।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।